सुस्ता रहे सबके सब 4:30 बजे उठ के तो इसमें बन जाएगा चाय। काव्या उठ जाए यार, काव्य अभी तक सोई है, काव्य उठने का नाम नहीं ले रही। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और सब लोग तैयार हो चुके हैं और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी तक नींद नहीं खुली है और हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। चलो 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 काव्य अब रेडी रेडी गाइस, आज ने बहुत गहरी नींद आई, वैसे भी आती है भाई 7 बजे उठती है। मैंने मास्क पहन लिया है और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम निकलने वाले हैं, हमें लेट हो गया, सब लोग निकल गए, अब बस अभी हम ही नहीं निकले हैं। चलो 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 अभी हम लोग व्लॉग वाला दूसरी बोतल निकाल रही हूँ मैं, सो मिलते हैं घर। सब हो गए रेडी, अब हम निकल चुके हैं हर्षिल जाने के लिए। अब काव्य को लग रही है ठंड, मुझे भी लग रही है, तो हम लोग फिर इसी गाड़ी में बैठे और वो पीछे से अब वो वाले इस गाड़ी में बैठे हैं। अभी बज रहे 7, तो हम लोगों को लग गई भूख अभी से, वैसे खाते हम 8:30 बजे पर अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही सबको, तो हम धरासू बैंड में जाएंगे, जब पहुंच जाएंगे वहाँ पे तो हम लोग धरासू बैंड में खाएंगे। आधे रास्ते में भी नहीं है फिर भी भूख लग रही है हमको बहुत तेज, सिर्फ 1.5 घंटे हो गए गाड़ी। सो गाइस अभी हम धरासू बैंड में रुके और हम पीछे वाली गाड़ी का वेट कर रहे हैं जिसमें नाना। गाइस मैं गाड़ी से बाहर निकल चुकी हूँ और हम यहाँ पर नाना को वेट कर रहे हैं। हमारी जो पीछे वाली गाड़ी है ना ब्लू कलर की दूसरी वाली, उसमें मेरे नाना नानी आने वाले हैं। तो मेरे पीछे खड़ी है यात्रा सीजन की बसें, सब यात्रा में ही बसें लगी पड़ी है, तो ये सब बसें यात्रा में जाएंगी, तो हम वेट कर रहे हैं पीछे वाली गाड़ी का, अभी तक तो आए नहीं वो लोग, देखते वेट करते हैं। तो ये लोग आ गए इस गाड़ी पे और गाड़ी की हालत देखना क्या बुरी दशा और किस गाड़ी की हालत किसने उल्टी करी वहाँ, देखो वो बाल बना रही है अपनी बेटी को। तू क्या खा रही है भूख के मारे अपने नाखूनों को, ये बहुत भूखी आत्मा। मम्मी भी आ गए यहाँ पे, पापा अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं, पापा को अपनी गाड़ी की बहुत बड़ी रहती है, अब काव्य नानी के साथ बातें कर रही है। तो हम लोग चलेंगे इस रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए, सबको भूख लग गई है, चलो अंदर। तो यहाँ पे पहले हैंड वॉश कर रहे हैं सब लोग, एक्स्ट्रा बटर मांग लेंगे उनसे। किस चीज का? आलू प्याज। मैंने मंगाया यहाँ पे वन मस्का, कैसे लग रहा है काव्य? अच्छा ठीक है खा। तो यहाँ पे आ गए इन सब के परांठे, आराम से खाना है, आराम से सब धीरे धीरे। यहाँ पर मेरा खाना आ चुका है, ये मेरा पराठा है, मैंने घर से बटर भी मंगवाया था।
छोले तो यहाँ पे आ गया सबका परांठा। ये लोग यहाँ पे परांठा फेल रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने सब ने खा लिया। इनका पहले आ गया था परांठा, इन सब ने पहले खा लिया। खा लिया खाना, कैसा लगा? बढ़िया, ये तो अभी खा ही रहा है। तो इनको नाश्ता करने के बाद कुछ ना कुछ कचर बचर तो चाहिए चाहिए खाने के लिए गाड़ी में। लक्की ने थैला भर दिया, कावे ने पैकेट खा दी। इतना तो खा भी नहीं पाएगी लक्की ने, क्या भरे। बताओगे कुछ देवता? जो भी सफर करता है ना उसको नारियल फोड़ना पड़ता है। ओके सब लोग यहाँ पे। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, वाह, पानी की छींटे पड़ रहे हैं पूरे पूरे। तो आप सब देख ही रहे होंगे यहाँ पे मनेरी डैम है, वहाँ से पानी गिर रहा है बहुत अच्छा सा। आप लोग यहाँ पे घूमने आओगे तो मनेरी डैम जरूर घूमें। तो गाइस हमारा पानी पूरा खत्म हो चुका है, सो हम पानी की बोतल फिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भर चुकी है 3 बोतलें पानी की। फ्रेश 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 पानी, फ्रेश पानी है। और ये लोग खेलने लग गए हैं पानी भरने के बजाय। पानी भरने का काम दिया तो ये खेलना शुरू कर लिया है। हम जा रहे हैं बाय। तो हम चलते हैं यहाँ से। मेरे पास 3 बोतलें पानी भर चुकी हूँ मैं, और ये पीछे से अभी भी खेल ही रहे हैं, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ये लोग। चलो भाई लेट हो जाएगी। तो यहाँ देखो मैं ये बोतल 3 उठा के लेके जा रही हूँ, इतना भर भर के। और मेरे पीछे इतना सुंदर सा है ना बैकग्राउंड। पापा की गाड़ी आगे खड़ी है, हमारी गाड़ी यहीं पे। क्या धूल लगी इस गाड़ी में। बाय बाय। सो 30 किलोमीटर बाद है हरसिल, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे हरसिल में, और मिलते हैं हरसिल। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गंगनानी। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे गर्म पानी का एक कुंड है। शॉल वॉल सब मिलेगी, स्वेटर्स मिलेगी, टोपियाँ मिलेंगी, जैकेट्स मिलेंगे। ये एंट्री गेट है, हम यहाँ से एंटर करेंगे। तो ये है गर्म पानी का कुंड, इसमें गर्म पानी आता है। वाह कितना गर्म है पानी। ये थाली 50 रुपीस की है, इसमें चुन्नी है, गुलाब है, फूल है, तुलसी है, श्रृंगार है माता का। तो अब हम लोग चलेंगे ऊपर, आराम से इधर लेके आओ। चल यहाँ पे मंदिर है, यहाँ से पानी आता है। कितना गर्म पानी आ रहा है, क्या खोलता पानी आ रहा है। तो ये माता प्राचीन गंगा नहानी माता का मंदिर है। यहाँ पे गर्म पानी का कुंड है जिसमें लोग नहाते हैं। कैसे लग रहा है डॉली? कितना पानी गर्म है? कावे देखो, कावे देखो। चलो तो अब हम लोग वहाँ से नीचे आ गए हैं ऊपर से। Thank you.
डब्बा जाम लग गया वहाँ पे। हमने क्या खरीदा, किटी 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 एकदम ट्रैफिक जाम के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने हमें रास्ता बताया कि हमें यहाँ से जाना है। क्या पहुँच चुके हैं हम हरसिल। तो हरसिल का नजारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर रही है। तो गाड़ी सारी पार्क हो चुकी है देखो, और हम लोगों ने कर दिया सब पार्क वगैरह। तो हम सब पहुँच चुके हैं हरसिल में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ठंड लग रही है। शुक्र की जैकेट लेके आई है। और काव्या लोग सब इधर पे तो अब सबको भूख लग चुकी, तो सब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि 3 से 4, 3:30 बज चुके हैं, तो सबको भूख लग गई बहुत तेज। खाना खाने के बाद सब लोग घूमेंगे थोड़ा बहुत। तो फिलहाल के खाना खाने चलते हैं। मिक्स दाल, मिक्स दाल, बटर, पनीर मसाला और रोटी। जल्दी जल्दी खाओ। तो हम होटल ढूंढ रहे पर हमें होटल कोई ढंग का मिल नहीं रहा। तो हमने ले लिया है रूम, 3 बेडरूम लिया हमने। हम लोग ऐसे ही सो जाएंगे, लक्की वहां सो जाएगा और बाकी इधर सो जाएंगे। मम्मी पापा डॉली दूसरे कमरे में सो जाएंगे और सब अपने अपने कमरे में।